वो जो आज ही मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, लुका का वचन जो मैं तुम्हें कह रहा था, छत्र भंडारी की दृष्टांत, ठीक है, ताकि तुम आज ही उसके बारे में सीख लो और तुम फंसो ना शैतान की युक्ति में कभी भी, ठीक है। हालेलुया। ये छत्र भंडारी 16 अध्याय का 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पर अगर तुम थोड़ा सा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी क्या लिखा है। मैं पढ़ता हूं, फिर यीशु ने चेलों से भी कहा, फिर यीशु ने चेलों से कहा एक दृष्टांत का। एक किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है, मतलब हेरा फेरी करता है, मैनेजर है। लेकिन लोगों ने बताया यह गलत है, जो कुछ भी तू इसको लेन देन पर इस पर इसको ठहराया है उस बीच में ये कुछ पैसा रखता है, चोरी करता है, गलत करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा, अतः उसने बुलाकर कहा, किसने कहा, उस धनवान को, उस धनवान ने अपने भंडारी को बुलाया, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं, अपने भंडारीपन का लेखा दे क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है, मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, दिहाड़ी तो मुझसे होगी नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखा मर जाएंगे, तो बड़ा हालात है ना उसके सामने। लेकिन फिर वो क्या करता है, सोचता है, क्या करता है, सोचता है, सोचो, देखो, मैं समझ गया क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी से, स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया। अब आपको समझ आई यहां क्या हो रहा है। यहां पर वो सोचता है कि मैं अब भंडारी मैनेजर के काम से खत्म हूं, मेरी जॉब, मेरी नौकरी जाएगी, दिहाड़ी नहीं होगी, भीख नहीं मुझसे मांगी जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। बैठा बैठा शैतानी सोच सोचता है और कहता, हां मैं ये काम करूंगा कि लोग मेरा साथ देंगे, मुझे अपने घरों में लेंगे, मेरा अच्छे से सारा सिस्टम चलेगा। वो पता नहीं उसके 50 देनदार है, धनवान के 100 देनदार है, एक एक करके बुलवाता है और किसी ने 100 मन तेल कर्ज में उसका देना है धनवान का। उसको कहता, क्योंकि धनवान को नहीं पता ना, मैनेजर को पता है, अभी लेखा नहीं दिया, अभी हिसाब नहीं किया, तो उससे पहले क्या कर दिया उसने, कहा यहां 50 लिख दे, 50 तेरा कर्जा खत्म कर दिया मैंने। किसी का 100 मन गेहूं है, कहता 80 लिख दे, किसी का 40 लिख दे, 50 लिख दे, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जब मैं इस पद से हटाया जाऊंगा तो लोग मुझे मेरा साथ देंगे। लेकिन ये दृष्टांत क्या है, मुझे समझ नहीं आता था पहले, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर बहुत सारी चीजें समझा रहा है। 8 में लिखा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। मुझे यही समझ नहीं आती थी कि स्वामी ने उसे क्यों सराहा है। हालेलुया। क्यों सराहा है उसको, ऐसे क्यों सराहा उस भंडारी को, क्योंकि उसने चतुराई से अपना काम लिया। सुनो, इसको सीखना होगा तुम्हें, ये टीचिंग बड़ी है। यीशु मसीह ने क्यों दी, ये स्पेशल हमारे लिए। इसका स्वामी कौन है, शैतान है। इस बंदे का जो काम है ये किसका काम कर रहा है, तो शैतान उसका स्वामी था। उसके स्वामी ने उसे सराहा क्योंकि तूने अच्छा काम किया है, चतुराई से काम लिया। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोग शैतान के गुलाम,
रीति व्यवहारों में ज्योति के लोग जो हैं, परमेश्वर के ज्योति के लोग, उनसे ज्यादा चतुर चुलाक। इसका मीनिंग ये है कि हमने चतुर चुलाक बनना है तो वो शैतान की इच्छा है। हमें बनना है सिद्ध, हमें बनना बोले, हमें चलना परमेश्वर की इच्छा में, क्योंकि छोटी छोटी जो हेरा फेरी है वो शैतान की इच्छा है। वो आपको मारेगी एक दिन, आपके पद से आपको निकालेगी, क्योंकि एक दिन पकड़े जाएंगे। दुनिया में कभी कोई हेरा फेरी, दुनिया कहती 100 दिन सांत का, एक दिन चोर का, ये उदाहरणें सच्ची बनी है। जो तुम करोगे, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कुछ शिफा नहीं जो सामने नहीं आएगा। बोलो, कुछ शिफा नहीं। तुम यहां मिनिस्ट्री में आते हो, कुछ गलत करते हो, पाप करते हो, कुछ छिपा नहीं सकते जो सामने नहीं आएगा। जो तुम करोगे वो एक दिन सामने आना है। तो इसीलिए हमें वो करना जो हमें परमेश्वर ने कहा। हमें पाई पाई रत्ती रत्ती में वफादार रहना, खड़े रहना, पूरे रहना। हमें ज्योति में बढ़ना है, क्योंकि दुनिया में जो संसार के लोग हैं, कितना भी उनके पास पैसा है, कितनी भी चीजें हैं, क्या उनका वो पैसा दुनिया में कोई भी काम है? दुनिया में कोई भी काम क्या बिना हेरा फेरी के हैं? जितनी भी ऑयल कंपनी, रिफाइंड कंपनी जहर बेच रही, खाने पीने की चीजें बह रहे। मैंने थोड़े दिन पहले, मैं अपने घर में, मेरी वाइफ ने कहा, मैंने कहा ये सरसों का तेल है? कहती हाँ। तो मैंने कहा कहाँ से लिया? कहती बेस्ट प्राइस से, यहाँ एक बेस्ट प्राइस है ना, तो वहां पर ये ओरिजिनल मिलता। उसने कहा, मैंने कहा नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने उसको कांच की शीशी में इतना सा डालकर फ्रिज में लगा दिया। तुम भी अपने ऑयल को लगाना, जैसे आप कभी अपने पानी को, जो अच्छा पानी है, फिल्टर पानी, खराब पानी नहीं, उसको फ्रिज में लगाना, वो जम जाएगा ना। लेकिन जमने के बाद कैसे रहेगा? शीशे की तरह रहेगा ना। अगर आपका पानी के अंदर वो क्या नहीं है, जो गंदगी है वो नहीं, गंदा पानी नहीं, तो वो शीशे की तरह साफ आएगा। अगर आपका ऑयल है, जम जाएगा, ज़्यादा वो उसका जो ठंडक टेम्परेचर, ठंडा वाला, आप समझते हो ना, उसमें रखोगे तो वो भी तेल जम जाएगा। उसको जमाने के लिए कम से कम -20 डिग्री चाहिए, नॉर्मल तो वो जमेगा नहीं, नॉर्मल ठंडी। लेकिन शीशे की तरह रहेगा वो तेल। लेकिन जब मैंने सुबह दिखा तो वो ग्रीस था, ग्रीस की तरह। सोच कर देखो, वो जहर था। और ये संसार के लोग हैं, रीति व्यवहारों में, अपने कामों में चतुर रहे, अपना बिजनेस पैसे के लिए, ना तो वो खुद अपने आप को बचा सकते हैं, ना अपने बच्चों को बचा सकते हैं, उन्होंने नाश होना है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर उनका बनाया बनाया है, लेकिन वो एक्चुअल परमेश्वर नहीं है। अगर वो एक्चुअल परमेश्वर होता तो उन्हें रोकता, उनको ज्ञान देता, उन्हें जानकारी देता, उन्हें छूता, उन्हें बदलता। यहाँ वाला जिंदा परमेश्वर हमें बदलता है। अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम जो वचन सुनने उस पर चलना चाहते हैं, तब वो बदलेगा। तुम प्रेयर करने लगे हो, तुम अपनी अंगीकार करने लगे हो, मुझे गंदा जीवन नहीं जीना, मुझे तेरे साथ चलना, मेरे तेरी इच्छा पूरी करनी है, मुझे पैसा नहीं, तू चाहिए। अगर तू चाहिए तो वो पैसा भी देगा। यूसुफ को पैसा नहीं चाहिए था, परमेश्वर चाहिए था, उसकी इच्छा चाहिए थी, उसने उठाकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। दाऊद को पैसा नहीं चाहिए था, चीजें नहीं चाहिए थी, उसको परमेश्वर चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था, उसकी इच्छा चाहिए थी। परमेश्वर ने उसको उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दिया। हालेलुया। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? तो फिर सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलो, अपने विश्वास को राइट करो, अपने मन को राइट करो, उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, रिश्ते में बढ़ते जाओ। पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता होगा ना, पाप का रिश्ता तो चलेगा नहीं। अगर तुम पाप में हो, गुनाह में हो, लालच में हो, चीजों के लालच में हो, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए मेरी बुराई कर देते। हमें पता चला कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलेंगे। ऐसा मत करो, वो नाश की चीज है, क्योंकि परमेश्वर के पास जो जीवन है वो हमारे शारीरिक सोच से, शारीरिक तरीके से चलकर नहीं मिलना है। आज ये टीचिंग तुम्हारे विश्वास को राइट करने से, यीशु की कुर्बानी, उसका क्रॉस पर चढ़ना, उसका शरीर तोड़े जाना, पवित्र लहू बहाना, शलनी शलनी करना उसके शरीर को, वो इसलिए हुआ, उसने तुम्हारे पाप, तुम्हारे रोग, तुम्हारे हालात, तुम्हारी बीमारियां अपने ऊपर ली, ताकि तुम्हें अच्छा जीवन दे। ये जीवन यीशु के इस कर्म पर, इस काम पर विश्वास करने से मिलना है, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करके। अपने फेथ को ठीक करो, अपने फेथ को राइट करो। जब तुम
पतरस के पास जाते हो, जब पतरस और ये चेले सेवा शुरू करते हैं तो परमेश्वर के भवन के बाहर एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा है, और जानते पतरस उसे क्या कहता है, कहता सोना चांदी पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन तेरे लिए चंगाई है, तू इस लंगड़ेपन से आजाद हो सकता है। बोलो, हमारे पास तेरे लिए चंगाई है, पैसा भी परमेश्वर के पास है, उसके पास तुम्हारे लिए जॉब भी है, उसके पास तुम्हारे लिए पदवी भी है, उसके पास तुम्हारे लिए धन संतान हर चीज है, लेकिन याद रखना पहले तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा फेथ राइट होना जरूरी है। तुम्हारा फेथ स्वार्थी नहीं चाहिए, सच्चा चाहिए, खरा चाहिए, पूरा चाहिए। फिर देखो, आप जानते हो जब लुस्त्रा में प्रेरित पॉल प्रचार कर रहा था और यहां पर एक लंगड़ा भिखारी पैसा मांग रहा था, उसने कहा यह पैसा तो ठीक है, तुम्हारी जरूरत है, लेकिन यह तो तुम्हें चंगा नहीं कर सकता, एक बड़ी चीज है तेरे लिए। अगर तू आज यीशु मसीह पर विश्वास कर, आज अपने विश्वास को यीशु पर ला कि वो तुम्हारे प्रापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा। तुम क्या समझते हो, अगर तुम यीशु मसीह में चलते हो, मैंने आज तुम्हें बताया दो तरह के पापी, दो तरह के गुनाहगार है, एक वो गुनाहगार जिन्हें परमेश्वर, जो अनजाने में पाप करते हैं, दुष्ट की युक्ति में फंसकर पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, उन्हें बचाता है। एक वो गुनाहगार है, वो पापी है जो रोज रोज जानते हैं ये पाप है, ये गुनाह है, फिर करते हैं, परमेश्वर उन्हें भी क्षमा कर देगा, लेकिन उस पीड़ा का, उस दुख का जो पाप के कारण आनी है, उसे नहीं वो रोकेगा। माफ तुम्हें कर देगा, लेकिन वो पीड़ा, वो दुख, वो हालात, वो बीमारियां, आप जानते हो बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर का दास है वो एक ही पत्नी का पति चाहिए, जहां जो भी परमेश्वर में बिलीवर तक, वो एक पत्नी का पति चाहिए, एक पत्नी या एक ही पति चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, दूसरा है तो व्यभिचार है, और व्यभिचार से परमेश्वर को नफरत है।